दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नेट स्टेट कमांड के बारे में। नेट स्टेट कमांड का यूज़ कैसे करते हैं, नेट स्टेट कमांड से हमें क्या क्या डिटेल्स मिल सकते हैं और उसके ऑप्शन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं उसके ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद इसको यूज कैसे करते हैं वो मैं बता दूंगा। नेट स्टेट कमांड से बेसिकली आपको नेटवर्क से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, जैसे नेटवर्क कनेक्शन हो गया, TCP UDP प्रोटोकॉल के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, राउटिंग टेबल के बारे में जानकारी मिलेगी, नेटवर्क इंटरफेस के बारे में जानकारी मिलेगी और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलेंगी, वो हम लोग आगे में देखेंगे। और इसके सिंटेक्स होती है नेट स्टेट, उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है नेट स्टेट -a, ए से क्या होगा, इसमें सारे सॉकेट आपको डिस्प्ले होगा, इस तरह का आपको आउटपुट आएगा। इसमें हमें क्या क्या डिटेल्स मिल रहे हैं, पहला लाइन में हमें ये प्रोटोकॉल की डिटेल्स दे रहा है, उसके बाद यहाँ पे रिसीव क्यू दे रहा है, सेंड क्यू दे रहा है, उसके बाद ये हमारा लोकल एड्रेस होता है, ये हमारा रिमोट एड्रेस होता है, उसके बाद यहाँ पे स्टेट बताता है। उसके बाद यदि आप कमांड चलाते हो नेट स्टेट -a के साथ यदि आप टी चलाओगे तो वहाँ पे आपको TCP कनेक्शन दिखाएगा सिर्फ। उसी तरह अगर यदि -a के साथ अगर यू चलाओगे तो वहाँ पे UDP कनेक्शन आपको दिखाएगा। उसके बाद यदि आप कमांड चलाते हो नेट स्टेट -l, -l से क्या होता है, लिसन सॉकेट की डिटेल्स देता है। उसके बाद यदि आप कमांड चलाते हो नेट स्टेट -l के साथ यदि आप टी का यूज करोगे तो वहाँ पे आपको ये लिसन TCP पोर्ट का डिटेल्स देगा। उसके बाद यदि आप कमांड चलाते हो नेट स्टेट -l के साथ यदि यू का यूज करोगे तो वहाँ पे आपको लिसन UDP पोर्ट का डिटेल्स देगा। और -o से क्या होता है, ये टाइम के साथ दिखाता है। जैसे मैंने यहाँ पे कमांड चलाया है नेट स्टेट -a के साथ, मैंने यहाँ पे टी यूज किया हुआ है तो यहाँ पे मुझे सिर्फ ये TCP कनेक्शन ही दिखा रहा है। ठीक, उसी तरह का मैंने यहाँ पे यू का यूज किया है तो यहाँ पे मुझे ये UDP कनेक्शन का यहाँ पे डिटेल्स दे रहा है। अभी हम लोग यूज करके भी देखेंगे। अगर आप कमांड चलाते हो नेट स्टेट -s, s से क्या होगा, ये स्टेटिक समरी देता है। जैसे मैंने यहाँ पे कमांड चलाया है नेट स्टेट -s तो इस तरह का हमें आउटपुट मिलेगा, ये बता रहा है कितने पैकेट हमारे रिसीव हुए हैं, इनकमिंग पैकेट की डिटेल्स दे रहा है, ये सेंड आउट की डिटेल्स दे रहा है, यहाँ पे हमें ये ICMP की डिटेल्स दे रहा है। अगर आप कमांड चलाओगे नेट स्टेट -f कैपिटल में तो वो डोमेन नेम के साथ दिखाता है। जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया है तो ये देखिए यहाँ डोमेन नेम के साथ दिया हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग यूज करेंगे इसका। अगर आप कमांड यूज करते हो नेट स्टेट -n तो यहाँ ये IP के साथ दिखाता है। अगर आप कमांड यूज करते हो नेट स्टेट -c, -c से क्या होगा, यह आउटपुट जो हमें यह देगा कंटिन्यूसली देगा। अगर आप कमांड यूज करते हो नेट स्टेट -p, -p से क्या होगा, ये PID के साथ डिटेल्स देता है। जैसे मैंने यहाँ पे कमांड चलाया है नेट स्टेट -p तो ये देखिए यहाँ पे PID के साथ यहाँ पे डिटेल्स दे रहे हैं हमें। आप एक साथ मल्टीपल ऑप्शन का भी यूज कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया है नेट स्टेट -l t, उसके बाद यहाँ पे p, उसके बाद e, इससे क्या होगा, एक्सटेंडेड इन्फॉर्मेशन देता है हमें। जैसे मैंने यहाँ पे कमांड चलाई है नेट स्टेट -l, उसके बाद t, उसके बाद p, उसके बाद e, ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरह का आउटपुट आएगा। यहाँ पे ये प्रोटोकॉल की डिटेल्स दे देगा, यहाँ पे रिसीव की डिटेल्स दे देगा, सेंड की डिटेल्स दे देगा हमें यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे लोकल एड्रेस की डिटेल्स देगा, उसके बाद यहाँ पे रिमोट की देगा हमें, उसके बाद यहाँ पे स्टेट बताएगा, उसके बाद यहाँ पे यूजर की डिटेल्स देगा, उसके बाद यहाँ पे आईनोड की डिटेल्स देगा, उसके बाद यहाँ पे PID की डिटेल्स दे रहा है, उसके बाद कौन सी सर्विस चल रही है उसकी डिटेल्स दे रहा है। उसके बाद यदि आप कमांड चलाते हो नेट स्टेट -r, -r से क्या होता है, ये राउटिंग टेबल के साथ हमें यह दिखाता है। जैसे यहाँ पे ये देखिए डेस्टिनेशन दे दिया, गेटवे दे दिया, जीमास्क दे दिया, यहाँ पे इंटरफेस की डिटेल्स दे दिए। उसके बाद नेट स्टेट -i का यूज करोगे तो ये नेटवर्क इंटरफेस की डिटेल्स देता है। जैसे मैंने यहाँ पे कमांड चलाई है नेट स्टेट -i तो ये देखिए यहाँ पे ये नेटवर्क इंटरफेस की इधर डिटेल्स दे दिया, ये MTO डिटेल्स दे दिया है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे पैकेट की डिटेल्स दे रहे हैं हमें यहाँ पे। अगर आप कमांड चलाते हो नेट स्टेट -i के साथ यदि e का यूज करोगे तो आपको इस तरह का आउटपुट मिलेगा, ये एक्सटेंडेड इन्फॉर्मेशन देता है। थोड़ा सा इथरनेट हो गया हमारा, ये IP हो गया, ये नेटमास्क हो गया, यहाँ पे ये यहाँ पे ब्रॉडकास्ट एड्रेस दे रहा है,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये पैकेट के डिटेल्स दे रहा है हमें यहाँ पे। अगर आप कमांड चलाते हो नेट स्टेट हाइफन एल के साथ यदि एक्स का यूज करोगे तो ये आपको ये लिसनिंग यूनिक्स पोर्ट की डिटेल्स देगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे यूनिक्स की डिटेल्स दे रहा है। अगर आप कमांड यूज करोगे नेट स्टेट हाइफन जेड कैपिटल में तो ये एस लिनक्स के साथ डिटेल्स देता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने कमांड चलाया नेट स्टेट हाइफन जेड कैपिटल में तो ये एस लिनक्स के साथ हम ये डिटेल्स दे रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग इसका यूज करके भी देखेंगे। और आपको ऑप्शन के बारे में डिटेल्स में देखना है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो मेन, उसके बाद यहाँ पे नेट स्टेट। अब दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ नेट स्टेट कमांड का यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सारे सॉकेट देख लेते हैं। नेट स्टेट उसके बाद हाइफन ए का यूज करेंगे। तो ये देखिए हमारा ये आउटपुट आ गया, ये यूनिक्स पोर्ट की डिटेल्स दे रहे हैं हमें। यहाँ पे ऊपर चलते हैं, ये देखिए यहाँ पे यूडीपी के डिटेल्स दे रहा है, ये देखिए यहाँ पे टीसीपी के डिटेल्स दे रहा है, यहाँ पे सेंड रिसीव, ये लोकल एड्रेस हो गया, ये रिमोट हो गया हमारा, ये यहाँ पे स्टेट बता रहा है लिसन एस्टेब्लिश का। अब हम लोग क्या करते हैं सिर्फ टीसीपी का ही देखना है तो उसके लिए कमांड यूज करना पड़ेगा नेट स्टेट उसके बाद हाइफन ए उसके बाद यहाँ पे टी। तो ये देखिए ये सिर्फ हमें ये टीसीपी का ही डिटेल्स दिया है। ठीक है, ठीक उसी तरह का अगर आपको यूडीपी का देखना है तो कमांड यूज करना पड़ेगा आपको नेट स्टेट उसके बाद यहाँ पे हाइफन ए उसके बाद यहाँ पे यू। तो ये देखिए यूडीपी का डिटेल्स दिया हमें यहाँ पे। अगर आपको सिर्फ लिसन टीसीपी कनेक्शन देखना है तो उसके लिए यूज करना पड़ेगा आपको नेट स्टेट उसके बाद हाइफन एल उसके बाद यहाँ पे यूज करना पड़ेगा आपको टी का। तो ये देखिए यहाँ पे सिर्फ लिसन का ही डिटेल्स दिया आपको। ठीक उसी तरह अगर आपको यूडीपी के लिए देखना है तो यूज करना पड़ेगा कमांड आपको नेट स्टेट उसके बाद यहाँ पे हाइफन एल उसके बाद यहाँ पे यू। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये डिटेल्स शो कर देगा। अगर आपको राउटिंग टेबल देखनी है तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा कमांड नेट स्टेट उसके बाद हाइफन आर। तो ये देखिए आपको ये राउटिंग टेबल के डिटेल्स यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे ये इंटरफेस के डिटेल्स दे दिया। ठीक है, ये डेस्टिनेशन गेटवे, ये यहाँ पे ये जी मास्क के डिटेल्स दे दिया। अगर आपको इंटरफेस की डिटेल्स देखनी है तो उसके लिए कमांड यूज करनी पड़ेगी आपको नेट स्टेट उसके बाद हाइफन आई। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये इंटरफेस के डिटेल्स हमें यहाँ पे दे दिया। और आपको एक्सटेंडेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको यूज करना पड़ेगा हाइफन ई के साथ। तो ये देखिए हमारा इथरनेट है ये। ठीक है, यहाँ पे इसकी ये डिटेल्स दे दिया हमें, यहाँ पे ये दूसरी इथरनेट है उसकी यहाँ पे ये डिटेल्स दे दिया। ये देखिए ये हमारा लूप बैक एड्रेस है तो उसकी यहाँ पे डिटेल्स दे दिया। ठीक है, अगर आपको डोमेन नेम के साथ देखना है तो उसके लिए कमांड यूज करनी पड़ेगी आपको नेट स्टेट उसके बाद यहाँ पे हाइफन एफ कैपिटल में। तो ये देखिए यहाँ पे आपको जो डिटेल्स शो होगा ऊपर में, ये देखिए यहाँ पे ये डोमेन नेम के साथ दे दिए। अगर आपको स्टेटिक समरी चाहिए तो उसके लिए कमांड यूज करनी पड़ेगी आपको नेट स्टेट उसके बाद यहाँ पे हाइफन एस। ठीक है, ये देखिए स्टैटिक समरी दे दिया, ए टी सी पी यूडीपी। ठीक है, ऊपर चलते हैं, ये देखिए यह कितना टोटल पैकेट सेंड किया है रिसीव किया है उसकी यहाँ पे ये डिटेल्स दे रहे हैं हमें यहाँ पे। अगर आपको आईपी के साथ डिटेल्स चाहिए तो उसके लिए कमांड यूज करनी पड़ेगी नेट स्टेट उसके बाद यहाँ पे हाइफन एन। तो ये देखिए ऊपर में चलते हैं हम लोग, यहाँ पे ये डिटेल्स दे दिया है। तो ये देखिए ये हमें यहाँ पे ये डिटेल्स दे दिया आईपी के साथ, ये हमारी ये पोर्ट नंबर हो गई। ठीक है, ये टाइप हो गया हमारा यहाँ पे, ये स्टेट बता रहा है, ये यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे आईनोड की डिटेल्स दे रहा है उसके बाद यहाँ पे ये पाथ दे रहा है हमें यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको पीआईडी के साथ देखनी है तो उसके लिए कमांड यूज करनी पड़ेगी नेट स्टेट उसके बाद यहाँ पे हाइफन पी। तो ये देखिए हमें यहाँ पे आउटपुट दे दिया है, ऊपर चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमें ये आउटपुट दे दिया, यहाँ पे पीआईडी दे दिया हमें यहाँ पे,
SSHD चल रही है, ठीक है, इस PID पे, उसकी यहाँ पे ये डिटेल्स दे दिया हमें यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको सिर्फ यूनिक्स कनेक्शन देखनी है तो उसके लिए कमांड यूज करनी पड़ेगी नेट स्टेट, उसके बाद यहाँ पे हाइफन एल, उसके बाद यहाँ पे हाइफन एक्स का यूज करना पड़ेगा। तो ये देखिए सिर्फ हमें यहाँ पे ये यूनिक्स कनेक्शन का ही डिटेल्स दिया है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको एसी लाइन का डिटेल्स देखना है तो उसके लिए कमांड यूज कर सकते हो नेट स्टेट, उसके बाद हाइफन जेड कैपिटल में। तो ये देखिए यहाँ पे ये एसी लाइन के डिटेल्स दे दिया हमें, ठीक है। ऊपर चलते हैं तो ये देखिए एसी लाइन के डिटेल्स दे दिया हमें यहाँ पे, ठीक है। ये PID होगी, ये सर्विस होगी हमारी, ठीक है। ये स्टेट बता रहा है हमें यहाँ पे, ये लोकल एड्रेस हो गया, ये प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है। आप एक साथ मल्टीपल ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे नेट स्टेट हाइफन एल, उसके बाद टी, उसके बाद पी, उसके बाद ई। तो ये देखिए यहाँ पे ये प्रोटोकॉल आ गया हमारा, ठीक है, ये लोकल एड्रेस आ गया, उसके बाद ये रिमोट आ गया, ये स्टेट बता रहा है, यहाँ पे यूजर की डिटेल्स दे रहे हैं हमें, उसके बाद यहाँ पे आई नोड की डिटेल्स दे रहा है, उसके बाद यहाँ पे PID और यहाँ पे ये सर्विस की डिटेल्स दे रहा है। अगर आपको रेगुलर प्रिंट चाहिए तो आप उसके लिए यूज कर सकते हो नेट स्टेट, उसके बाद हाइफन सी। तो ये देखिए रेगुलर प्रिंट दे रहा है हमें, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।